दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के बारे में। क्या है कोरोना वायरस, कैसे फैलता है, क्या लक्षण है इसके, कैसे हम खुद को बचाएं इस कोरोना वायरस से, इसको जानने के लिए हर एक के मन में ये उत्सुकता इस समय है। इसके लिए वो गूगल कर रहा है, यूट्यूब देख रहा है, न्यूज़पेपर देख रहा है, न्यूज़ चैनल देख रहा है, या फिर लोगों से सुन रहा है। ऐसे में उससे बहुत सारी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं इंटरनेट पे या फिर न्यूज़ चैनल पे कि ये देखो कोरोना वायरस इंडिया में आ गया, इसकी भविष्यवाणी पहले हो चुकी है। कुछ लोग बता रहे हैं कि इसका इलाज ये ऐसे है कि जो है गौमूत्र पियो या फिर कुछ और चीज़ें जो है आप खाओ, इससे जो है क्योर हो जाएगा, दिक्कत दूर हो जाएगी कोरोना वायरस का। तो बहुत सारी भ्रांतियाँ जो है वो इंटरनेट पे उड़ाई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं। ऐसे मन में एक अजीब सा मतलब एक उलझन सी होती है कि क्या वाकई में इस पृथ्वी का विनाश होने वाला है, क्योंकि इतनी सारी बीमारियाँ आने वाली है या फिर आ गई हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल सेफ़ हो। बस थोड़ा सा आपको सुरक्षा रखना होगा खुद का और कुछ सावधानियाँ रखनी होंगी। ऐसे में मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में कि जो है कोरोना वायरस क्या वाकई में इंटरनेट पे भी है, और अगर इंटरनेट पे है तो क्या इससे नुकसान होने वाला है हमारा। तो एक्चुअली में कि ये कोई इंटरनेट कोरोना वायरस नहीं है कि इंटरनेट के थ्रू ये फैल जाए। एक्चुअली में क्या है, कुछ हैकर्स हैं या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो इस आर्टिकल का यूज़ करके जो है आपके पास एक मेल करते हैं या फिर कुछ मैसेज वगैरह करते हैं और कहते हैं कि कोरोना वायरस अलर्ट, आपके एरिया में कोरोना वायरस आ गया है, या फिर कोरोना वायरस का फ्री हेल्थ चेकअप आप करवाओ कि आपके अंदर कोरोना है या नहीं है। इसके लिए वो लिंक देंगे, उस पर आप क्लिक करोगे, फिर आपका डेटा जो है वो हैक हो जाएगा, चोरी हो जाएगा। स्पैम मेल वगैरह या कुछ भी सब चीज़ें जो अगर आ रही हैं आपके पास कोरोना वायरस से रिलेटेड, तो वो बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा जानना है तो इसके लिए आप WHO का ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर कोरोना वायरस के बारे में डिटेल्ड है कि क्या इसके लक्षण हैं, कैसे ये जो है हमारे बॉडी पे अटैक करता है, क्या हम प्रिकॉशंस रखें इसके थ्रू, तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। बाकी अगर न्यूज़ चैनल आप देखते हो तो देखो, लेकिन उसमें बहुत सारा अफवाह फैलाई जा रही हैं, तो बस इतना जानते रहो कि क्या चीज़ें चल रही हैं, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। और आपके पास अगर कोई ऐसा मेल आता है, कोई फर्जी का मेल आता है कि मतलब स्पैम मेल, क्योंकि उन्हें क्या करना कि ये कोरोना वायरस उसमें लिखना है, बाकी के आर्टिकल लिख देने हैं आपके पास भेजेंगे और आप तुरंत देखोगे, क्योंकि अभी ट्रेंडिंग में चल ही रहा है और ट्रेंडिंग टॉपिक को लेकर ही आप लोगों को ठगा जाता है। अकाउंट हैक होते हैं, आपके डेटा लीक हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है। कुछ भी ऐसा मैसेज आए तो आप उसे इग्नोर कर दो, उस पर क्लिक ना करो। अदरवाइज़ अगर आप YouTube चला रहे हो तो YouTube अकाउंट भी हैक हो सकता है, ईमेल वगैरह कुछ भी, मतलब कुछ भी हो सकता है। अभी जो है रिसेंटली में Google पे और Apple Store पे ऐप भी अवेलेबल हो गया था कि कोरोना वायरस ट्रैकर, कोरोना वायरस, व्हाट इज़ कोरोना वायरस, इसके जो है ऐप भी Apple Store पे आ गए थे, ठीक है, कोरोना वायरस के गेम, ये सारी चीज़ें जो है। तो इससे क्या है कि जितने भी हैकर्स हैं वो सब इससे फ़ायदा उठाते हैं आपके आपके अकाउंट से, ठीक है। तो उसको जो है गूगल और एप्पल अपने स्टोर से उसे हटा दिया है, रिमूव कर दिया है, तो कोई भी जो भ्रांतियाँ उत्पन्न ना हो। क्योंकि अगर होता क्या है कि अगर हम कोई अफवाह फैलाते हैं, इससे हमारे देश की जो इकोनॉमी है बहुत ज़्यादा डाउन होगी, अर्थव्यवस्था ख़राब हो जाएगी। अभी वैसे हम ठीक से संभले नहीं हैं, ऊपर से ऐसी अफवाहें फैलाई जाएंगी तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, ठीक है, और जो है ये हमारे लिए सही नहीं है, हमारे देश के लिए सही नहीं है। तो अभी जो चाइना में ये फैला हुआ कोरोना वायरस के बाद से सबसे बल्क में इटली में है, और इटली की वजह से जो है यहाँ का एक दिल्ली में मयूर विहार का एक आदमी को हुआ और वहाँ से ये चीज़ें फैल रही हैं। तो अभी बहुत सारे केसेस जो हैं इंडिया में देखने को मिला है। तो मैं भी आपको थोड़ा सा इसमें सावधानी बता दूँ कि आपको करना क्या है कि भीड़ भाड़ इलाके में आपको कम जाना है, अवॉइड करना है, आपको घर में रहना है, और कोई भी आप ऐसी एक्टिविटी करते हो तो आपको हैंड वॉश सैनिटाइज़र से करना है, हाथ आप बार बार धुलते रहें बहते हुए पानी में, और हैंड शेक वगैरह या फिर हैंड किसी से हाथ ना मिलाएं, नमस्ते करें, जैसे जो ओल्ड कल्चर है इस समय ट्रेंडिंग में चला है कि नमस्ते कोरोना, कि आप नमस्ते करो कोरोना को भगा दो। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो है इफ़ेक्ट करेंगी और वायरस को रोकने से बचाएंगी। तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, आप सुरक्षित रहो, अच्छे से रहो। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे मोबाइल फ़ोन्स वगैरह यूज़ करने से रिलेटेड, कि फ़ोन वगैरह जो हम कवर लगा के रखते हैं तो कवर रखने के जितनी भी बैक्टीरियाज होते हैं वो फ़ोन पे चिपक जाते हैं, ठीक है।
तो जब भी आप फ़ोन हटाते हो देखते हो बहुत सारे डस्ट जो है इस पर इकट्ठा होते हैं। फिर आप इसे क्या करते हो, यूज़ करते हो, कभी आप वॉशरूम में यूज़ करते हो फ़ोन, हर जगह यूज़ करते हो, तो इतना ज़्यादा गंदा रहता है फ़ोन आपका, तो वहाँ से भी वायरस जो है वो जनरेट हो सकता है और आपकी बॉडी में जा सकता है। तो कोरोना वायरस का सोर्स आपका ये मोबाइल फ़ोन भी है, तो मोबाइल फ़ोन को किसी क्लीनर से आप अच्छे से इसे क्लीन करते रहो। दिन में एटलीस्ट एक बार तो आपको क्लीन करना ही करना है, या फिर 2 या 3 बार जो है आप महीने में, वो सॉरी हफ्ते में आप ज़रूर करो इसे। कोशिश करो कि आप इसमें कवर का यूज़ ना करो, और थोड़ा सा सेफ्टी रखना होगा आपको फ़ोन वगैरह में, क्लीन करते रहो जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है आपके बॉडी में ना जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको बताना चाह रहा था। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आप जो है कोई भी स्पैम मेल आता है आपके पास कोरोना वायरस से रिलेटेड, तो आपको उस पर विज़िट नहीं करना है। ये सारी मेल फेक मेल हैं, स्पैम हैं, और कोई भी मैसेज वगैरह आता है वो सब कुछ फर्जी है। तो आपको जो है उसको ध्यान देना नहीं है, अगर दोगे आप क्लिक करोगे तो आपका डेटा जो है आपके हाथ से निकल सकता है, कोई दिक्कत आ सकती है। तो इस वीडियो में बस मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि आप सतर्क रहो, सुरक्षित रहो, और कोई भी ऐसी अफवाह ना आप फैलाओ ना फैलाने दो। अगर कोई ऐसा केस है आपके सामने कोरोना वायरस से रिलेटेड, या आपको लगता है कि कोई ऐसा संदिग्ध है, तो आप तुरंत जो है डॉक्टर को कॉल करो, या फिर आसपास के जो भी अनुभवी लोग हैं उन्हें आप बताओ कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, उसका सलूशन निकाला जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही मैं बताना चाहूँगा। इस मैसेज को आप बहुत ज़्यादा शेयर करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन है क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। ये वीडियो कोई टेक वीडियो नहीं था, कोई ऐसा वीडियो नहीं था, ये आप एक मैसेज था जो आपको मैं पहुँचाना चाहता हूँ आप तक। तो बस इतना ही, मिलते हैं वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।